कंप्यूटर सोच रहा होता है, और कंप्यूटर को हम ट्रेन करते हैं थिंकिंग पे विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। जब मैं ये कहता हूँ कि दुनिया में कोई ऑर्गेनाइजेशन इनके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती, तो आप ये देखें कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स होंगी इस चीज़ की। Sorry to interrupt you. कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सर क्विकली अगेन, जैसा हम हमेशा आपसे क्विकली पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड एआई? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? सी, मशीन लर्निंग एंड एआई का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है, बट ये दोनों चीज़ें सेम नहीं हैं। बहुत से लोग ये जो टर्म्स हैं ना वो इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। मशीन लर्निंग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह देंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मशीन लर्निंग कह देंगे। बेसिकली मशीन लर्निंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक एप्लीकेशन है। आप इसको यूँ भी कह सकते हैं, अगर मैं आपको बताऊँ कि जो मशीन लर्निंग है इज़ अ सबसेट ऑफ एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में ये एक मेजर डिफरेंस है, जो आप टर्म्स को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं। अगर आप क्वेश्चन करें कि एक्चुअली ये मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, देखिए मशीन लर्निंग इज समथिंग जहाँ पे हम मैथमेटिकल मॉडल्स को, एल्गोरिदम्स को ट्रेन करके कंप्यूटर को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कंप्यूटर जो है उस डेटा को कैलकुलेट, उस डेटा को प्रोसेस करके लॉजिक्स के थ्रू डिसीजन मेकिंग कर सके। जबकि एआई इज़ जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, वो एग्जैक्टली ऐसे है जैसे ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शंस हैं। वो इंसान की तरह, कंप्यूटर मशीन जो है वो इंसान की तरह सोचती है और ड्राइव करती है इंफॉर्मेशन डेटा से। ऑन द अदर हैंड मशीन लर्निंग में मशीन डिसीजन मेकिंग करती है बेस्ड ऑन द डेटा वी आर फीडिंग टू द मशीन लर्निंग। सो इनकी डिफरेंट टर्म है। मैं एक और टर्म आपको यहाँ क्लियर करता हूँ, डीप लर्निंग। डीप लर्निंग को लोग कन्फ्यूज कर देते हैं मशीन लर्निंग के साथ। अब जो डीप लर्निंग है ये सबसेट है मशीन लर्निंग का। डीप लर्निंग में मेनली क्या होता है कि जितने भी इमेजेस हैं, जब हम इमेजेस प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, इमेज को रीड करना, इमेज के ऊपर जो कंटेंट है उसको रीड करना। अगर आज का आप देखें, गूगल ने इमेज सर्च है, गूगल के अंदर आप इमेज अपलोड कर रहे हो तो गूगल जो है उस इमेज पे आपको रिजल्ट दे देता है। तो वहाँ पे डीप लर्निंग एल्गोरिदम लगे हुए हैं जो इमेज प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। एंड द लास्ट थिंग, अगर आपने क्वेश्चन छेड़ ही दिया है, एनएलपी। एनएलपी इज अदर एप्लीकेशन जिसके अंदर नेचुरल लैंग्वेज को, मीन जो हम टेक्स्ट वगैरह को प्रोसेस करते हैं, उसके लिए मॉडल्स क्रिएट किए गए हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सबके लिए समझना कि ये चीज़ें सेम नहीं है, इनको सेग्रीगेट किया गया है बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटीज। आई होप दैट आंसर द क्वेश्चन। एक्सीलेंट सर, थैंक यू। ये मशीन लर्निंग का पर्पस क्या है? ठीक है, मशीन लर्निंग का जो मेजर पर्पस होता है वो प्रिडिक्शन भी आप कह लें, आप डिसीजन मेकिंग कह लें। कंप्यूटर सोच रहा होता है और कंप्यूटर को हम ट्रेन करते हैं थिंकिंग पे विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। हम बेस्ड ऑन द डेटा आपके बिहाफ पे मशीन सोच रही होती है। कहते हैं ना अक्सर के यार एआई जो है ह्यूमंस को रिप्लेस करने जा रही है, तो बेसिकली आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर चले जाते हैं। वो जो काम इंसान ने सारा बोझ अपने माइंड पे लेके करना होता है वो आपके बिहाफ पे अब आपका कंप्यूटर कर रहा होगा। वो जो टन्स ऑफ डेटा हम लोग आज तक वेस्ट करते आए हैं मशीन लर्निंग के थ्रू, हम उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन, यूजफुल डिसीजन मेकिंग, यूजफुल प्रिडिक्शंस एंड प्रोजेक्शंस ले सकते हैं। तो मशीन लर्निंग का पर्पस यही होता है कि ह्यूमन डिसीजन मेकिंग को हमने रेप्लिकेट कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम के। ये जो मशीनें आपके पीछे आगे पीछे नजर आ रही हैं, इसका मशीन लर्निंग के साथ कोई आया कंसेप्ट? देखें, इनका मशीन लर्निंग के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। अब आप ऑडियंस तो शायद परेशान हो गए, इनका मशीन लर्निंग के साथ क्या ताल्लुक है? देखें, हम हैं तो मशीन लर्निंग है, और ये हैं तो हम हैं। विदाउट एक्सरसाइज, मैं जैसे कह रहा हूँ, आपकी मेंटल हेल्थ हेल्दी नहीं रह सकती, तो ये चीज़ें मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं। और अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो मशीन लर्निंग डायरेक्टली आप इसके साथ कनेक्ट कर जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये भी मशीन लर्निंग है। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, स्पेशली इन मीडिया? क्योंकि आप लोग मीडिया से हैं तो आई टॉक अबाउट द मीडिया। प्राइमरीली मेरा ख्याल में कि रेवोल्यूशनाइज कर दिया है मशीन लर्निंग इन मीडिया को। आप लेट्स से फेसबुक को देखें, फेसबुक कैसे आपको रिकमेंडेशन दे रहा है, आप पर्सनलाइज कर रहे हैं, आपको वो कंटेंट मिल रहा है जो आप देखना चाहते हो। हर बंदे को एक ही फेसबुक डिफरेंट कंटेंट दिखा रहा है। कंटेंट सेगमेंटेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है मीडिया के अंदर। आप नेटफ्लिक्स को ले लें,
नेटफ्लिक्स के जो मोस्टली एल्गोरिदम्स हैं वो ML एल्गोरिदम पे चल रहे हैं, वहाँ पे भी कंटेंट रिकमेंडेशन है। आप सेंटीमेंटल एनालिसिस को ले लें जिसके ऊपर गवर्नमेंट बन जाती है, गवर्नमेंट चली जाती है, ये सेंटीमेंटल एनालिसिस पे होता है और ये मीडिया के लोग ही इसको यूज़ कर रहे होते हैं। आप ऑटो कंटेंट जनरेशन देख लें, आप इमेज प्रोसेसिंग देख लें जिसमें डीप लर्निंग की एप्लीकेशन आ जाती हैं। आप अगर आप AI को, डीप लर्निंग को स्मार्टली यूटिलाइज करें तो आप ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स भी जनरेट कर रहे हो मीडिया के अंदर। बेसिकली मीडिया को बहुत तेज़ कर दिया है। वो जो एक रिपोर्टर जाता था सुबह से शाम तक कोई चीज़ ढूंढ के लाता था और फिर उसके ऊपर 10 दिन लगाता था कोई कॉम्प्रिहेंसिव डेटा ड्राइव करने के लिए, अब ML एंड AI ने उसको मिनटों सेकेंडों में कन्वर्ट कर दिया। सो एज ए सेड, ML AI ने मीडिया को रिवोल्यूशनाइज कर दिया, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आप अपना क्लियर रखें। अच्छा, जैसे आपने पूछा कि मशीन लर्निंग का रोल बताएं, इट इज़ नॉट ऑल अबाउट मशीन लर्निंग, इट इज़ अबाउट डेटा साइंस, AI, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, NLP। इसलिए मैं कहता हूँ ये वो टर्म्स हैं जिसके बारे में मीडिया के हर बंदे को पता होना चाहिए। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है, सेंटीमेंटल एनालिसिस क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, AI क्या होता है, डेटा साइंस क्या है, बहुत बेसिक लेवल पे पता होना चाहिए। ये सब मिल के मीडिया को और हमारी जिंदगी को रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं। आपने फेसबुक की बात की या सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स की बात की, ट्विटर के साथ क्या हो रहा है सर? ट्विटर को क्या हो गया? कहाँ से उस एलन मस्क साहब ने जब से आए हैं वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। देखिए, इट्स अ ह्यूमन नेचर, अगर आप गौर करो जब भी कोई तब्दीली आती है ना हम उसको रेजिस्ट करते हैं, हम उसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते, ये ह्यूमन नेचर है। मेरा ये मानना है एलन मस्क जो है एक विजनरी आदमी है, वो चीज़ें बदलेगा। ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर बाय नेचर, वो चीज़ें बदलेगा, वो एक्सपेरिमेंट करेगा लेकिन बेटरमेंट के लिए। वो AI को मज़ीद इसके अंदर इम्बेड करेगा लेकिन होगा पहले से बेहतर। ये जो स्पेकुलेशन है ना ट्विटर ख़त्म हो जाएगा, ट्विटर डूब जाएगा, ट्विटर की जगह कोई और प्लेटफॉर्म आ जाएगा, एज ए टेक्निकल पर्सन मैं इनमें से किसी बात पर यकीन नहीं रखता, क्योंकि मैं उस बंदे की अचीवमेंट और थाट प्रोसेस देख चुका हूँ। जब वो SpaceX पे काम कर रहा था, जब हर रैकेट हवा में जाने से पहले फट रहा था, तो दुनिया तो उस पर फिर भी डाउट कर रही थी, दुनिया तो PayPal पे भी डाउट कर रही थी, दुनिया Hyperloop पे भी डाउट कर रही है। तो अगर उसने इतना कुछ कर लिया है तो ट्विटर क्या चीज़ है उसके सामने? वी जस्ट हैव टू बी पेशेंट एंड वॉच। ये एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इट्स जस्ट अ चेंज जो बेहतरी के लिए, मेरा ये मानना। इसका मतलब तो ये है कि अच्छी खबर है कि ट्विटर कहीं नहीं जा रहा और बल्कि बेहतर हो रहा है। या दैट्स व्हाट दैट्स गुड। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए है जो फ्यूचर करियर देख रहे हैं स्पेशली मशीन लर्निंग में। इसकी जो जॉब्स एंड बिजनेस परस्पेक्ट क्या है इस मशीन लर्निंग का? देखें, इट्स ह्यूज। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी से बाहर आना पड़ेगा। मशीन लर्निंग ओवरऑल, मैंने iBack का जिक्र किया था, IoT, ब्लॉकचेन, AI, साइबर सिक्योरिटी, ये है फ्यूचर हर ऑर्गेनाइजेशन का। जब मैं ये कहता हूँ कि दुनिया में कोई ऑर्गेनाइजेशन इनके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती, तो आप ये देखें कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स होंगी इस चीज़ की। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप ज़रा सोचो, नेचुरली सोचो कि दुनिया में कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास डेटा नहीं है, और दुनिया में ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो डेटा को देखे बगैर फैसले करती है। पर अगर सब कुछ डेटा पे हो रहा है और उस डेटा को हैंडल करने के लिए हमें डेटा साइंस चाहिए, तो इसका मतलब ये कि फ्यूचर है ही डेटा साइंस। ये आपने टर्म सुनी होगी जी, द फ्यूचर इज डेटा, द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर इज ऑन डेटा, राइट? तो डेटा क्या है? डेटा इटसेल्फ कुछ नहीं है अगर डेटा साइंस नहीं है तो। और डेटा साइंस क्या है? AI, ML, NLP, डीप लर्निंग, ये है। तो ये तो स्कोप का तो सवाल ही नहीं उठता इसके अंदर, वो इसलिए क्योंकि है ही यही, अब हमारे पास हमारा फ्यूचर ही यही है, हमें आज से खुद को प्रिपेयर करना शुरू करना है। लेकिन एक मिस्टेक नहीं करनी, जब कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा होगा आज वो वर्डप्रेस की जॉब छोड़ेगा, वो कहेगा हाँ सर ने कहा था कल AI आने वाला, चलो फटाफट AI करते हैं, घर चले ना चले, किचन चले ना चले, AI ज़रूर चले। स्लो ट्रांजिशन कर लो ना यार, स्मार्ट ट्रांजिशन कर लो, बट आज से शुरू करो और इसमें बहुत स्कोप है।